वेरी गुड इवनिंग डी एस फ्रेंड्स वेलकम टू अडा ट्वेंटी फोर सेवन दिस यू मिनटा और सिंह आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रेशन भी जबरदस्त चल रही होगी एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ अब तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है मैं आपको ऑडिबल हूँ विजिबल हूँ एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉ माई साइड थोड़ी सी तकनीकी इशू की वजह से डिले हुआ क्लास में बट ऑफकोर्स आई एम लाइव राइट नाउ आई थिंक सो लेट्स टॉक अबाउट सम ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑफ फॉर दिस पार्टिकुलर सेसंस ठीक है ना सो so, आज की जो चर्चा रहने वाली है ऑफकोर्स ये बहुत अहम होगी क्योंकि अभी कुछ देर पहले आई बी पी एस पी ओ प्री ने रिजल्ट जाहिर किया है और बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि सर थैंक यू सो मच लेकिन हाँ इस बीच ये भी जरूर कहना चाहूँगा मैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अपने आप को विफल पाए होंगे लेकिन विफलता बहुत चंद समय की हो सकती है आपकी वो क्योंकि अगर आपके पास धैर्य है तो कहीं ना कहीं आप विजयी आगे भी हो सकते हैं सो ओके 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 एवरीथिंग इज फाइन चलो सो so, शुरुआत करते हैं आज के पहले तो भाई सभी को जिन जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है बीपीएसपीओ प्री एग्जामिनेशन उन सभी को बहुत बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन लेकिन ये रुकने का वक्त वक्त नहीं है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है बहुत बड़ी लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक मुकाम मतलब एक लेयर जो है ना वो क्रॉस किया कहीं ना कहीं ठीक है Uh, मैंने पहले ही बता दिया क्लासिंग एलेक्स की थोड़ा सा तकनीकी टेक, खराबी के वजह से मतलब थोड़ा प्र, प्रॉपर यहाँ पे uh, टेक्निकल इशू था इसलिए ठीक है चलो क्लास होगी भाई बिल्कुल मैंने बता दिया था कि क्लास होनी है तो होनी है चलिए शुरू करता हूँ मैं सो ऑफ कोर्स आज का सेशन समरी क्या क्या है क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग तो लास्ट सेशन याद होगा आपको मैंने आइदर और डिस्कशन किया था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था मतलब उससे पहले मैंने डिस्कस किया था वो मैंने डिस्कस किया था कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट दैट मीन्स वो तीन मैजिकल नोट्स जो थे मैंने इस टॉपिक के दिए थे आपको उससे पहले मैंने डिस्कस किया ऑफकोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोगिज्म तो मतलब लगातार हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं और आज जो चर्चा हमारी है वो है कहीं ना कहीं वनली एंड वनली अफ्यू के कॉन्सेप्ट रहेगा इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे होंगे आज और कुछ क्वेश्चन भी कर रहे होंगे इसके आधार पर इस पर डिपेंडेंट बेसिक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग आज के सेशन में तो बहुत शानदार सेशन रहने वाला है आज भी ध्यान रखिएगा ऑफकोर्स थोड़ा सा आप मैं डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं लेकिन ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपको विजिबल एंड प्रॉपर ऑडिबल होंगे अब तक राइट शुरू <coughs> करते हैं सबसे पहले रिवीजन ऑफ आइदर और इसलिए बिकॉज आप सभी बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया बताया कि हाँ सर आइदर और अब जाए क्लियर हुआ है ठीक है ना ठीक है चलिए मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको व्हाट वाज आइदर और कॉन्सेप्ट क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम ये हमने बताया था कि आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस टू फेच द आइदर और कंडीशन दैट कि अगर आप आइदर और कहना चाहते हैं तो तीन कंडीशन आपसे आपको कंफर्म होना पड़ेगा ठीक है ना क्या क्या कंडीशन है पहला है कि भाई दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए सो वी मस्ट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि टू कंक्लूजन मस्ट कैरी बोथ द एलिमेंट्स एज कॉमन एलिमेंट सेकंड कहता है वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव अदर बी नेगेटिव वन शुड बी पॉजिटिव दैट मीस एक सकारात्मक होना चाहिए दूसरा नकारात्मक होना चाहिए दिस इज द मस्ट थिंग थर्ड कह रहा है बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो है वो अलग अलग अगर तौर पर उससे चेक किया जाए तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग पाए जाने चाहिए अच्छा कुछ लोगों को ये भी शक है क्या कि ये रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड नहीं है भाई दिस क्लास इज नॉट रिकॉर्डेड ठीक है हाँ ये क्लास जो है बिल्कुल लाइव uh, क्लास है ठीक है दिस क्लास इज लाइव सो नथिंग टू वरी ठीक है चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं बात करता हूं यहां पे आपके साथ कुछ और शेयर करता हूं जो चीजें हमने डिस्कस करी थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या है यहां पे तो हमारे पास मैंने बताया था तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं और इसके पैरल और क्रॉस के बारे में भी, भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने यहाँ पर स्टडी विथ सबरत सर कह रहे हैं कि सर थर्ड पॉइंट समझा दो थर्ड पॉइंट का मतलब होता है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग और यू कैन से कांट से इंडिविजुअली इसका मतलब होता है कि मान लो हमारे पास एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी लेट्स से वी हैव दिस स्टेटमेंट सम ए आर बी सम बी आर सी हमारे पास दो निष्कर्ष हैं एक कहता है सम ए आर सी और दूसरा कह रहा है नो ए आर सी इस सिचुएशन में जब हम बोलते हैं सम ए आर सी या नो ए आर सी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यार यहां पे हम सम ए आर सी पढ़ेंगे तो भी हमारे पास पहला भी गलत हो जाएगा बिकॉज एलिमेंट ए सी में कोई रिलेशन नहीं है और दूसरा पढ़ेंगे नो ए आर सी तो ये भी गलत है दैट मीनस कि बोथ आर इंडिविजुअली रॉन्ग हेयर ठीक है ना बोथ आर इंडिविजुअली रॉन्ग हर इन दिस सिचुएशन आई होप आई डिया क्लियर ठीक है ना बोथ आर रॉन्ग इंडिविजुअली आगे बढ़ते हैं ओके चलिए सोच इसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की डिस्कशन करी थी आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब मैंने कहा था सम सम नॉट एंड ऑल एक पेयर रहेगा दूसरा के पास सम और सम नॉट रहेगा और सम और सम नॉट रहेगा जिनको डाउट है वीडियो जाके वापस पीछने वाला वीडियो जरूर देखिएगा मैं बार बार रिपीट करके जानबूझ के जोर डाल के बोल रहा हूं मैं बोल के निकल नहीं रहा हूं मैंने साफ साफ कह दिया कि ये होता है सम एंड सम नॉट यूज टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड वाई इज इट कम्स अंडर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन द प्रीवियस लेक्चर राइट सो थर्ड पॉइंट इज सेंग सम एंड नो दैट मीस इवन कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड नो विल बी देयर दैट दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अगेन सो दिस थ्री set of pairs are treated as complementary pairs you need to remember every time this particular things now ek isme exception bhi hai exception kya tha yahan pe exception tha aapke paas all arb and no arb ये exception है Because मैंने कहा था कि यार देखो दोनों ही word यहाँ पे जो इस्तेमाल किए गए हैं चाहे वो all है या no है ये दोनों ही word कैसे हैं वो एक stable word है और मतलब अगर पहला ऑल अगर हो गया तो फिर नो का स्पेस नहीं बचता है मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ वापस से और अगर नो हो गया तो ऑल का स्पेस नहीं बचता है मैंने ये भी बताया था कि जो लोग सम लो तो और सम नॉट को आइधर कहते हैं उनके पीछे उनके पास वजह क्या होता है वो वजह देते हैं तो आजकल एक नया ट्रेंड आ गया ना वनली वन ए आर बी वाला वनली अ फ्यू ए ये इसको लेके आप लोग बोल देते हैं भाई कुछ लोग बोल देते हैं भाई सब ये हमारे पास देखो इसमें सेटिसफाई हो रहा है दोनों चीज़ है ना वनली सॉरी वनली अ फ्यू ए आर बी सम ए नॉट बी नहीं वनली अ फ्यू ए आर बी को

और जब हम बात करते हैं यहां पे सम और सम नॉट की तो यहां पे हमारे पास पैरेलल क्रॉस दोनों ही काम करता है सम और नो के रेस्पेक्ट में पैरेलल क्रॉस दोनों ही काम करता है कहां पे काम नहीं करता तो ऑल और सम के केस में हमारे पास पैरेलल काम करता है क्रॉस काम नहीं करता ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग बाकी सब क्लियर है ठीक है ना क्लियर है बात चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज बहुत 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 जो अभी उमदा चीज बहुत ही ट्रेंड में चीज है ना वनली एंड वनली अ यू इसको लेके बहुत लोग तो परेशान है कि सर ये बताइए कि वनली के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वनली का नियम चेंज हो गया है क्या ऐसा सच में है क्या सो लेट एस डिस्कस अबाउट दिस टू ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोगिज्म दैट इज वनली एंड वनली अ फ्यू वनली अ फ्यू ठीक है ना इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझेंगे हम सभी लोग बहुत ध्यान से पैरेलल वाला क्या होता है आकाश इसलिए बोलता हूँ क्लास को थोड़ा रेगुलर क्लास किया कीजिए क्रितिस कह रहे हैं सर आई प्योर प्रीलिम्स क्लियर थैंक यू बहुत बढ़िया क्रितिस यार आप बहुत रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं ठीक है ना बहुत बढ़िया वेरी गुड मतलब मेरे जितने भी पता है कि मैं जिनको जिनको जो जा जानता हूँ वो क्वालिफाई करते चले जा रहे हैं अगर आप सभी लोग सही सही बोल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की मतलब होता है ना कई बार लगता है कि यार ये सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास में वो सब क्वालिफाई कैसे होते चले जा रहे हैं मतलब ऐसा तो मतलब अच्छा लग रहा है ऑफकोर्स प्राउड फील हो रहा है लेकिन ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा ऑफकोर्स मैं किसी पर वो नहीं कह रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली मतलब एम प्राउड ऑफ यू पीपल बहुत बढ़िया रिजल्ट काफ़ी लोगों का आया है मतलब काफी मैं जब से आया रिजल्ट मैं टेलीग्राम पर देखा बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली मैसेज किया कुछ लोगों ने ग्रुप ही मैसेज किया सो so, काफी अच्छा लग रहा है चलिए ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन एंड वनली यू प्राइमरीली हम वहां पे वनली एंड वनली यू को डिफ्रेंसिएट करेंगे आज और फिर उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएगा इसको समझ में जाएंगे आप फिर वनली एंड वनली अलोन का भी डिस्कशन करेंगे हम लोग ठीक है ना वैसे वनली अलोन इज नथिंग लाइक दैट कुछ है नहीं बस ये छूट फालतूआ खुश का बनाया हुआ भ्रम है लोगों का ठीक है ना समझते हैं इस बात को सो so, देखो सबसे पहली बात वनली एक ऐसा वर्ड है इसके एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है मान लो वन ए आर बी ये कह रहा है वनली ए आर बी इसका कन्वर्जन क्या होता है इसका कन्वर्जन क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं आई थिंक ऑल बी आर ए एंड आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू सभी लोग आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा <laughs> नहीं नहीं मतलब रिधिका राधिका शर्मा ऑफ कोर्स सही बात है मतलब होता ना मतलब एक एक मनबू वाली बात यार सभी कृतीश मैं ये नहीं मैं किसी पे वो नहीं कह रहा हूँ डू नॉट टेक इट अदरवाइज यार मतलब एक होता है ना यार कि कभी अब विश्वास नहीं होता यार इतना सारा रिजल्ट हो रहा है मतलब ये वाली बात है और इंसान वो खुशी के जैसे आंसू खुशी में लोग आंसू गिराने लगते हैं वो वाली कंडीशन आ जाती है कि यार वाह मतलब बहुत सारे रिजल्ट हो रहे हैं ये वाली बात मैं कह रहा था इसमें ऐसा कोई नहीं लगा दिल पे कि सर ऐसा बोल रहा है कि झूठ झूठ वाली बात नहीं मैं कह रहा हूँ इतना ज्यादा ही आ रहा है ना कि हाँ सर बहुत अच्छा थैंक यू सर बहुत सारा थैंक यू सर तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यार सच में क्या मतलब इतना सारा रिजल्ट बहुत अच्छा ये वाली पॉइंट है <laughs> चलो खैर वनली बी उसको कन्वर्ट करते हैं अपन ऑल ऑल बी में, बी आर आर ए ए में में कन्वर्ट करते हैं ठीक है और इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं सभी लोग बिल्कुल आज के बाद से कभी भूलना मत इस चीज़ को ऑल बी आर ए ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे एक बात बादल बना के लिख लेना ठीक है ना ऐसे मान लो हम कंक्लूजन पहले यहां लिख के दिखाते हैं क्या होगा मान लो स्टेटमेंट के तौर पर वनली ए आर बी और एक और स्टेटमेंट मान लो दिया रहे यहां पे एक और स्टेटमेंट दिया रहे मैं इसको यहां से हटाता हूँ थोड़ा सा मैं कहीं और इसको थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ थोड़ा खर्च करता हूँ यहाँ पे मान लो इसको कहा ऑल बी आर ए इसको ऐसा बोलेंगे ये हमारा पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास और भी आ गया मान लो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ध्यान रखिएगा हमने ड्रॉ किया ऑल बी आर ए एंड देन आफ्टर सम ए आर सी हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया नाउ आफ्टर दिस टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वनली हम सभी को बहुत ध्यान से इन निष्कर्षों को चेक uh, करना पड़ेगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं फिलहाल बहुत ध्यान से सभी लोग मान लो पहला मैंने लिखा यहाँ पे सम बी आर नॉट सी या फिर मैंने लिखा यहां सम सी कैन बी कैन बी बी सम सी कैन बी बी बात समझ में आ रही है हमने क्या क्या लिखा है सम सी कैन बी बी पहले मान लो हमने इसी की बात करते हैं सम सी कैन बी बी लिखा हुआ है मैंने बहुत ध्यान सभी लोग ठीक है थर्ड वन थर्ड कह रहा है यहां पे मान लो थर्ड कह दिया नो नो बी आर सी और मान लो फोर्थ कह रहा है All A can be C. ये चार निष्कर्ष आपके सामने रखे हैं इस चार निष्कर्षों से मुझे लगता है कि आप सभी लोग पूरे इस वन्य कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकते हैं आप पहले अपने तरफ से जो भी आपको लगता है आप यहां पे निष्कर्ष के तौर पे आप यहां पे करेक्ट बताएं कौन कौन से सही हैं आपके हिसाब से उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा सभी लोग प्लीज बहुत ध्यान से आपके पास चार निष्कर्ष हैं आपको चेक करना है चारों में से सही कौन कौन से हैं पहला कहा गया सम बी आर नॉट सी वन टू थ्री एंड फॉलो देखते हैं चलिए आइए देखते हैं बहुत ध्यान से सभी लोग इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं वनली बहुत सुकून से बहुत शांति से समझते हैं हम लोग यहां पर पहला कंक्लूजन यहां पर सम बी आर नॉट सी क्या बोल रहा है कुछ भी ऐसे हैं जो सी नहीं है और हम देख पा रहे हैं कि यहां पे बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है बहुत ध्यान सुनना बातों को यहां पे हम देख पा रहे हैं कि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है आज के बाद कभी भी आपको इस वनली के कॉन्सेप्ट को लेकर तकलीफ नहीं होगी इतना सुकून से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ठीक है ना सो सम बी आर नॉट सी दैट मीनस के हम बोल रहे हैं कोई भी कुछ बी ऐसे हैं जो सी नहीं है एंड एक्चुअली में अगर हम नॉर्मली बेडायराम को सिर्फ देखें स्टेटमेंट को ना ध्यान दें हम स्टेटमेंट पे तो हम यहां बोलेंगे कि यार बी और सी में तो रिलेशन नहीं है लेकिन यहां पे चूंकि वनली वर्ड यहां पे आया है वनली के तहत हमने बी को ए के अंदर ड्रॉ किया है बिकॉज स्टेटमेंट वॉज वनली ए आर बी एंड दैट मेक्स एंस का मतलब होता है ऑल बी आर ए मतलब सारे के सारे बी क्या है ए है लेकिन मैंने क्या बोला कि वनली एक कैसा वर्ड है कंडीशनल वर्ड है कैसा वर्ड है कंडीशनल वर्ड है ये ये कंडीशनल वर्ड है सिंपल वर्ड नहीं कंडीशन डालता है क्या कंडीशन डालता है भाई कि भाई जो बी है ना वो किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता ये कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं डालने का मतलब क्या है क्योंकि आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या मतलब हुआ केवल कुछ ही ए बी है सारे एलिमेंट एक एक हमारे हमारे से नहीं बन पाएगा बी का रिलेशन किसी भी और एलिमेंट से नहीं बनेगा तो ऑल बी आर ए इसलिए कन्वर्ट करते हैं ठीक है ना तो बी का रिलेशन किसी भी ऑल एलिमेंट से नहीं बनेगा ध्यान रखें मतलब बाकी के दुनिया के तमाम एलिमेंट से बी का क्या हो जाएगा प्रतिबंध हो जाएगा इस बात को आप बादल बनाए कहीं लिख सकते हैं कि B will be having restriction with any other element apart from the element in which it is residing or it is existing. Like हमारे पास B जो है वो किसके अंदर exist करता है तो वो A के अंदर exist करता है तो अब A को छोड़कर B का relation दुनिया के तमाम element चाहे वो कितने भी distance पे रहें वो कितने भी close रहें उसका relation किसी और से नहीं बन सकता इसका मतलब ये है कि उसका relation नहीं प्रतिबंध उसका positive relation नहीं बन सकता मतलब उसका वास्तविकता में कोई भी किसी और एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनेगा जब भी बनेगा तो नो no का रिलेशन बनेगा कैसे बनेगा नो no. मतलब नो बी आर सी करेक्ट नो सी आर बी करेक्ट सम बी आर नॉट सी करेक्ट सम सी आर नॉट बी करेक्ट मतलब बी और सी में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इसका मतलब ये यहां पे एक हिडन प्रतिबंध लग गया बी से दुनिया के तमाम एलिमेंट का एक हिडन प्रतिबंध लग गया है ये आप अंदा समझ सकते हैं इसलिए क्या होगा पहला बिल्कुल ट्रू होगा क्यों सही होगा बिकॉज यहाँ पे बी का रिलेशन जो है वो सी से पॉजिटिव रिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकते और दूसरी बात की नेगेटिव रिलेशन आराम से ड्रॉ कर सकते बिकॉज बी और सी में क्या हो गया प्रतिबंध लग चुका है बिकॉज बी जो है वो एक के अंदर एग्जिस्ट करता है और सिर्फ बी के बी जो है वो सिर्फ एक के ही अंदर रहेगा इतना वफादार है वो क्लियरली आगे बढ़ते हैं सम सी कैन बी बी अब देखो कैन बी का मतलब क्या होता है कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी मतलब कह संभावना में क्या सारे के सारे, कुछ है जो बी हो जाएंगे नहीं कभी नहीं हो सकते बिकॉज यहां पे क्या है दोनों में एलिमेंट में क्या है प्रतिबंध जब रेस्ट्रिक्शन है सो वी के नॉट अलाउ पॉसिबिलिटी एज वेल वहां पर संभावनाएं भी काम नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा सो बी इज दैट मच लॉयल कि ना ही उससे कोई मिलने आ सकता है और ना किसी से वो मिलने जाएगा ध्यान रखिएगा नो बी आर सी ऑफकोर्स विल एक्सेप्ट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड बाकी हम फोर्थ को भी चेक कर रहे हैं ऑल ए कैन बी सी क्या सारे

फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया पे पे राइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द सेकंड केस मतलब एक से ही जुड़ा हुआ एक और चीज है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं हम कैन नेवर भी की चर्चा भी करेंगे आगे वेट कीजिए थोड़ा सा अभी एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस पर सवाल भी करने बाकी अभी नाउ विल टॉक अबाउट वनली इज द मीनिंग ऑफ वनली फ्यू इसको समझाने से बेहतर मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं अफ्यू समझाता हूं सभी को बहुत ध्यान समझना चाहिए यहाँ पे अफ्यू का मतलब क्या होगा सम अ फ्यू ए आर बी का मतलब क्या होता है भाई सम ए आर बी सो वी आर वेरी मच श्योर इसका मतलब हो जाएगा सम ए आर बी मैं आज बताऊंगा आपको कि भाई वनली फ्यू वनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम वैसा क्यों बनता है और क्यों बनाया जा रहा है ये वाला डायग्राम देखिए वन अ फ्यू ए आर बी का मतलब यह है कि ऐसा डायग्राम बनाया जा रहा है आपको सिखाया जा रहा है डायग्राम और हम मैं भी सिखाता हूं ऐसा नहीं मैं नहीं सिखाता मैं भी सिखाता हूं लेकिन ऐसे यही डायग्राम क्यों बताया जा रहा है असली में ये डायग्राम है नहीं सही बताऊं तो ये डायग्राम असली में आपको सिर्फ सहूलियत देने के लिए बताया गया आपको यह डायग्राम अदरवाइज डायग्राम इज वेरी सिंपल वनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम भी वही बनेगा जो सम ए आर बी का ड्रॉ करते हैं सिर्फ यही डायग्राम है असली में है नॉर्मली देखा जाए तो अ फ्यू ए आर बी दैट दट सम ए आर बी अब वनली लगाने से क्या हो गया अगेन वनली इज वट टाइप ऑफ वर्ड वनली इज अ कंडीशनल वर्ड वनली कैसा है वनली कैसा शब्द है जो कंडीशन डालता है क्या कंडीशन डाल रहा है यहाँ पे भाई वनली अ फ्यू ए आर बी केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं या और कहता है यहाँ पे कह रहा था केवल ए ही बी हैं केवल ए ही बी हैं है ना या फिर हम उसको एलेबोरेट करना चाहें तो ऑफकोर्स हम कहेंगे इसके बारे में वनली आ, ए आर बी के बारे में कि भाई वनली ए आर बी कहता है कि भाई ऑल

या फिर यू 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 कैन 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 से से अनदर अदर वे अराउंड भाई कुछ ए बी हैं लेकिन सारे ए बी नहीं हो सकते मतलब अ फ्यू ए आर बी का असली इंटेंशन ये है कि सारे के सारे ए जो है ना कभी भी किसी जन्म में वो बी नहीं हो सकते ये असली में समझाना चाहता है वो इसीलिए क्या किया गया आपको आपको थोड़ा सहूलियत देने के लिए आपको थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए इस पार्ट के सेगमेंट में ये कहा गया कि भाई ऐसे समझो आप सवाल को ऐसे कि सम पार्ट ऑफ ए इज बी एंड सम पार्ट ऑफ ए विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू बी कुछ पार्ट ए का क्या रहेगा बी रहेगा और कुछ पार्ट ए का क्या रहेगा प्रतिबंधित रहेगा किस से बी से ये सिचुएशन आपके पास है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मान लो इसमें इसमें सिर्फ दो नीचे समझाना चाहूंगा मैं आपसे दो बातें मैं पूछूंगा सिर्फ दो निष्कर्ष एक पूछूंगा मैं आपसे ऑल बी कैन बी ए और दूसरा पूछूंगा मैं आपसे ऑल ए कैन बी बी बस इसका जवाब दे दीजिए आप जल्दी से प्लीज ठीक है ना ऑल बी कैन बी एंड ऑल ए कैन बी बी बस इसका जवाब दे दीजिए बात खत्म है बस इसका जवाब दीजिए बात की सब क्लियर है इसका जवाब मुझे आपकी तरफ चाहिए <coughs> उमेर इज आस्किंग सर मिस्टर पैसोनेट सर अच्छा <laughs> मेरा नाम ही मिस्टर पैसोनेट रख दिया गया है का कोई एस क्लास है क्या एस क्लास है यार अभी थोड़ा बिजी हूं बैंक के मेंस परीक्षाओं में जल्द ही आप अभी एस एस सी के बैचेस भी देखोगे आप फिलहाल तो वनली फर्स्ट टू राइट वनली फर्स्ट टू सभी लोग क्लियर है इस बात को लेके ऑल बी कैन बी ए मतलब ध्यान रखिएगा शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको यहां पे सारे के सारे बी जो है वो ए हो सकते हैं ध्यान रखिए बिल्कुल याद हम दिमाग में चिपका लेना इस पॉइंट को बिकॉज दिस इज द ओनली पॉइंट वेर वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू इफ यूर नॉट क्लियर अबाउट दिस पार्ट अर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट अट्स की ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी इज इज ट्रू एंड ऑल ऑल ए ए आर आर बी अ पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग ये बात क्लियर होना चाहिए आपको ऑल ए कैन बी बी रॉन्ग ऑल बी कैन बी ए हाँ मतलब सारे के सारे शर्मा जी वर्मा जी के जा सकते हैं नहीं सारे के सारे वर्मा जी वर्मा जी आ सकते हैं शर्मा जी क्या हाँ ये वाली बात है बिकॉज शर्मा जी इज वन सन इज हैविंग रेस्ट्रिक्शन विद होल पार्ट ऑफ बी यू कैन सेकेंड फैमिली दैट इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है, है बात बोलने का एकदम क्लियर है चकाचक है बहुत बढ़िया सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन वनली एंड वनली ली यू वेरी प्रिसाइजली नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चन लेट्स डिस्कस कैन बी का मतलब भाई कैन बी का मतलब एलोबोरेट करने का जरूरत है क्या कैन बी इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी वेरी सिंपल We, का मतलब क्या होता है पॉसिबिलिटी होता है सिंपल सी बात है ओके चलिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की ठीक है ना लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन जल्दी से वनली ए आर बी सम ए आर सी एंड सम सी आर डी तीन आपके पास स्टेटमेंट है, चार निष्कर्ष हैं कोई मैंने ऑप्शन नहीं दिया जानबूझ के ताकि आप इंडिपेंडेंट तौर पे आप इसको समझें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से क्विक एकदम इंडिपेंडेंट होकर सोचना है आगे मैं कर दूँगा इसे आगे मैं इसमें जोड़ा हुआ हूँ ठीक है ना थैंक यू सो मच आकाश कोर्स भारतीय पेट क्लास बिल्कुल है मेरी आप जा सकते हैं बिल्कुल क्लास पर आपको मिल जाएगी अड्डा के ऐप पे ठीक है ना चलिए सो वनली ए आर बी का मतलब क्या बताया गया वनली ए आर बी का मतलब बताया गया ऑल बी आर ए हम जानते हैं हम सभी जानते हैं ऑल बी आर एस का मतलब सम ए आर सी दैट मीन पार्ट ऑफ एंड समी दैट मीन सी एंड डी इज एक्चुअली यहाँ पे रिलेटेड पे uh, <coughs> ठीक है ना

नो डी आर बी बोल रहा है कोई भी डी बी नहीं है बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज डी का बिकॉज बी का जो प्रतिबंध है ना वो बाकी के दुनिया के तमाम एलिमेंट लग चुका है सो so वी के नॉट एक्सेप्ट एनी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बी एंड डी एंड वी के नॉट डिनाई एनी निगेटिव रिलेशन बिटवीन बी एंड डी हम बी और डी के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कोई भी निगेटिव रिलेशन को डिनाई नहीं कर सकते ये ध्यान रखिएगा सो so इसलिए हमारे पास पहला दूसरा दोनों ही क्या हुआ है ट्रू हुआ है बिकॉज बी का रिलेशन किसी भी और एलिमेंट से एक एक के अलावा किसी किसी से भी हम निगेटिव रिलेशन अगर होंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे यहां पे दोनों में बोला गया नेगेटिव रिलेशन सम बी आर नॉट सी नो no डी दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ऑल ए आर डी से पॉसिबिलिटी बोला सारे के सारे ए डी हो सकते हैं क्या भाई सारे के सारे अगर ए डी होने जाएंगे तो जाहिर सी बात है बी को भी लेके जाएंगे और जो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते दैट्स वे हमारा थर्ड रॉन्ग हो गया फोर्थ कहता ऑल बी आर सी बोला सारे के सारे बी सी हो सकते हैं क्या संभावना में नहीं भैया संभावना लगाने से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्या संभावना लगाने से क्या सही हो जाएगा क्यों सही मान लेंगे इसे हम देर इज नो नीड टू गो फॉर मतलब भावुक नहीं होने का संभावनाओं को देख के भावुक नहीं होने का ध्यान रखने का ठीक है ना, ओके। हाँ ये क्लास डेली होती है यूट्यूब हो है लिटरली और अभिषेक आपका कोई सवाल था आपने कहा था समथिंग इसका पॉसिबिलिटी मतलब सम का सम अरे मैं तो कई बार बोल चुका हूं संभावनाओं का डायग्राम नहीं बनाते भाई साहब संभावनाओं को आप किसी भी पिक्चर में कैद कर सकते अगर आप संभावनाओं का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं आप संभावनाओ, संभावनाओं संभावनाएं जो हैं वो सोच के दायरे में है वो सोच सकते हैं आप उसके बारे में आप डायग्राम थोड़ी बना के उसको फिक्स कर सकते हैं सॉरी मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ संभावनाओं, संभावनाओं का डायग्राम बनाने की चर्चा मैंने आज तक नहीं करी है किसी क्लास में कभी भी नहीं करी है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है और इसमें वनली अफ्यू की चर्चा की गई है क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन प्लीज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड चैंपियन थ्री पॉइंट ओ मोहित वर्मा चैंपियन थ्री पॉइंट ओ इज कमिंग ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फिफ्थ से क्लास शुरू हो जाएगी तो आपकी एनरोलमेंट चल रही है उस बैच में आप जाके एनरोल कर सकते हैं उसको ठीक है ठीक है चलिए uh, दीपक सिंह दीपक सिंह को पढ़ा रहे हैं वहीं पे प्रयागराज में ही ठीक है चलिए नो बी कह रहा है नो ए इज बी सो एलिमेंट ए ज रेस्ट्रिक्टेड टू बी प्राइमरली हमारे पास पहला स्टेटमेंट ही ऐसा मिला है ठीक है ना देन ऑल बी आर बोल रहा है कुछ स्पेस कॉमन रहेगा कुछ पार्ट हमारे पास प्रतिबंधित रहेगा यह हमारे पास वंडाराम बन चुका है क्लियर है आगे बढ़ते हैं कह रहा है यहां पर यहाँ पे कह रहा है पहला डिस्कस कर रहा है नो एस सी एलिमेंट ए और सी में प्रतिबंध लगा सकते हैं हम लोग क्या नहीं लगा सकते रीजन क्या है रीजन क्लियर होना चाहिए मैं मैं डिस डिस्कस करता हूं, मैं करता हूं कि आपके पास रीजन दिया करूं बोला नो एज सी एलिमेंट ए और सी में क्या है रिलेशन नहीं है मतलब सॉरी बोला नो ए एज सी दैट मीन होल पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द होल पार्ट ऑफ सी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर बिकॉज सम होल पार्ट ऑफ ए इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सम पार्ट ऑफ सी सो फर्स्ट इज एक्चुअली रॉन्ग थर्ड कह रहा है सम बी इज डी बोला कुछ बी ऐसे है जो डी है हम लोगों ने कहा भैया हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसे सॉरी कुछ भी डी है नहीं हां हो सकते हैं बट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन वी के नॉट एक्सेप्ट इट ठीक है थर्ड सम सी इज नॉट डी बोला कुछ सी ऐसे है जो डी नहीं है ऑफ कोर्स सही बात है भाई कुछ पार्ट ऑफ सी तो ऐसे है जो डी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम थर्ड थर्ड वाला सो करेक्ट आंसर इज ओनली इट्स वेरी सिंपल दैट मीन यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओनली थर्ड फॉलोस वेरी सिंपल ठीक है ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे लेते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे बढ़ते जल्दी के लिए प्लीज वजह वजह जानना बहुत जरूरी है ध्यान रखिए वजह जानना बहुत जरूरी है सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द रीजन वेन वी डिस्कस अ क्वेश्चन यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि सर उसके रीजन आपके दिमाग में क्लियर रहे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड सम ड्रिंक्स इज वॉयल सम ड्रिंक इज वॉयल एंड देन यहाँ पे बोल रहा no oil is water, है नो ऑयल इज़ वाटर ठीक है एंड नो वाटर इज़ कॉफी कॉफी ठीक है एंड वनली कॉफी इज़ टी मतलब कि सारे के सारे टी जो है वो क्या है कॉफी है टी हमारे पास कॉफी के अंदर आ जाएगा दैट दैटमीज हमारे पास कहीं ना कहीं हमें कॉफ़ी को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मैंने फिर से यहाँ पे कॉफी बना लिया ये कॉफ़ी आपका है यहाँ पे आपके जो वाटर कॉफ़ी में क्या है प्रतिबंध लगा हुआ है कॉफ़ी के अंदर क्या आ जाएगा टी सो so, टी का जो है ना टी जो है वो कॉफी के अंदर है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन फर्स्ट इज से सम ऑयल बींग टी इज अ पॉसिबिलिटी क्या ऑयल का टी से कोई रिलेशन हो सकता है पॉजिटिव क्या नहीं हो सकता रीजन क्या है बिकॉज टी इज इन्वॉल्व इन द वेंडाग्राम और इन द सेट ऑफ स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड वनली और वनली तो भैया टी को वैसे भी लगा देगा प्रतिबंध लगाएगा उसमें तो पहला तो सही कर नहीं सकते हम लोग यहां पर सम ड्रिंक इज नॉट वाटर बोला कुछ ड्रिंक ऐसे हैं जो वॉर नहीं ऑफकोर्स दिस पार्ट ऑफ ड्रिंक विच इज कॉमन टू ऑयल दट इज एक्चुअली नॉट वॉटर वी कैन एक्सेप्ट इट दैट मीस सेकंड इज ट्रूली ट्रू आगे बढ़ते हैं कॉफी इज ऑयल बोल रहा है कुछ कॉफी ऐसे हैं जो ऑयल हैं भैया हम नहीं जानते इस बारे में तो थर्ड इज रॉन्ग एक्चुअली कुछ कॉफी ऑयल है, है नहीं हम ये नहीं बोल सकते कुछ कॉफी ऑयल है सेकंड so, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दैट मीन सेकंड होगा इसमें बोला गया वनली इज दूसरा तो सिर्फ दूसरा तो सही उत्तर यहाँ पे माना जाएगा आगे पढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट नाउ ऑन य्री क्वेश्चन नंबर फोर्थ जल्द से फटाफट करते हैं यार समय थोड़ा कह बिकॉज डिले स्टार्ट हुआ क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ समेक्निकल इश्यू सो विल ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज एज वी कैन इन दिस सेसन और लिटरली मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं सलेक्शन को लेकर प्री के सलेक्शन को लेकर बिकॉज अब प्री सेलेक्ट हुआ है तो भाई मेन्स में भी काम करना आवश्यक है तो ऑफकोर्स मेन्स के लिए काम कीजिए ऐसा कुछ अलग नहीं करना जो 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 हाई लेवल सिटिंग एंड पजल्स बैच के स्टूडेंट हैं उन लोग से तो काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे कि काफ़ी अच्छा करेंगे आप लोग जिस स्तर पर हमने सवाल वहाँ कराया है और कर रहे हैं अभी लगातार काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए ठीक है चलिए सवाल नंबर चार में कह रहा है नो पिंक इज़ येलो बोल रहा है कोई भी पिंक येलो नहीं है नो पिंक इज येलो दैट वेरी गुड वनली अ फ्यू येलो इज़ ग्रीन वनली फ्यू येलो इज ग्रीन दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ येलो इज़ कॉमन एंड सम पार्ट ऑफ येलो इज़ रेस्ट्रिक्टेड नो ऑल पिंक आर ब्लू बोल रहा है सारे के सारे पिंक जो है ना वो ब्लू है दैट मीन्स पिंक यहाँ पे तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा नो ऑल येलो आर ब्लू ऑल येलो आर ब्लू दैट मीन्स यहाँ पे येलो जो है ना वो भी आपके पास सॉरी 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे थोड़ा तो सा अलग चीज़ है So, यहां पे क्या है ना ब्लू को हमें यहाँ से लेके आना पड़ेगा इस तरह से ये ब्लू हमारे पास हो गया ठीक है ना आगे बढ़ते हैं नाउ कंक्लूजन पास तीन दिए हुए हैं बोला ऑल पिंक कैन बी ग्रीन क्या सारे के सारे पिंक जो है वो ग्रीन हो सकते हैं क्या क्या वनली यहां पे है क्या नहीं है मतलब ऐसा हिडन कोई रेस्ट्रिक्शन वाली चीज नहीं है यहां पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बोला गया ऑल पिंक कैन बी ग्रीन क्या सारे के सारे पिंक ग्रीन हो सकते हैं हाँ भैया है, क्यों नहीं हो सकते सारे के सारे के ग्रीन जो हैं, वो पिंक नहीं हो सकते लेकिन सारे 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 के के पिंक जो हैं, वो ग्रीन हो सकते हैं दैट नाउ वी कैन एक्सेप्ट द फर्स्ट एज ट्रू कंक्लूजन आगे बढ़ते ऑल येलो आर ग्रीन सारे के सारे येलो जो है वो ग्रीन हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते बिकॉज सम पार्ट ऑफ येलो इज रेस्ट्रिक्टेड टू द होल पार्ट ऑफ ग्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ वनली फ्यू रीजन वनली येलो इज आर ग्रीन इस वजह से वनली अ फ्यू की वजह से क्या हो गया कुछ पार्ट ऑफ येलो जो है ग्रीन से

आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा सवाल को जल्दी कीजिए प्लीज फटाफट कीजिएगा बिकॉज वी हैव फाइव क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन राइट नाउ एंड वी हैव डिस्कस दनलीनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड देन वी डिस्कस्ड वी रिव्ड एंड आईदर कॉन्सेप्ट सो नो हिल इज पिक दैट मीनस क्यूफोर्स हिल इज हर एंड देन हिल इज रेस्ट्रिकेड टू पिक सो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास ये बनने वाला सम पिक इज एवरेस्ट सो पिक एंड एवरेस्ट इज कॉमन पर्समन एंड देन वनली एवरेस्ट इज प्लेट्यू दट मीस ऑल प्लेट्यू इज एवरेस्ट सो ऑफकोर्स वीर वी आर गोइंग टू अगेन फिर से ड्रॉ करेंगे इसे कोई तकलीफ नहीं है हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे uh, वनली एवरेस्ट दैट मीस एवरेस्ट है और ये हमारे पास प्लेट्यू है तो प्लेट्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास पीक हो जाएगा ठीक है ना चलिए ना सम माउंटेस आर एवरेस्ट बोला कुछ माउंटेस ऐसे हैं जो एवरेस्ट है उसका प्लेट्यू से कोई रिलेशन नहीं हुआ ये डायग्राम बन चुका है आपका लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे वनली का कॉन्सेप्ट है वनली का इन्वॉल्वमेंट सवाल में है मतलब थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है ठीक है ना अगर वनली का इन्वॉल्वमेंट स्टेटमेंट में है दैट मीनस यू नीड टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट इन द क्वेश्चन ठीक है ना आगे बढ़ते हैं सम एवरेस्ट इज नॉट हिल बोला कुछ एवरेस्ट ऐसे हैं जो हिल Uh, नहीं है हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है ये वाला जो एवरेज जो पीक के साथ कॉमन पार्ट बनाता है वो तो हिल नहीं हो पाएगा तो पहला बिल्कुल सही बात है पहले में कोई आपत्ति नहीं दूसरी की बात करते हैं सम माउंटेन बिंग तो भैया कोई रिलेशन बना ही नहीं सकता चाहे कोई भी आ जाए बिकॉज प्लेट्यू जो है वर्ली के वजह से आपके पास ई तो के अंदर है तो हमारे पास जो हमारे पास एवरेस्ट उसके अंदर है दैट की सेकंड तो रॉन्ग है आप संभावना लगा दो संभावना टू दी पावर संभावना लगा दो वी नॉट एक्सेप्ट इट सो सेकंड इज रॉन्ग आफ्टर यूजिंग पॉसिबिलिटी एज वेल थर्ड कहता है नो पिक इज प्लेट्यू बरा कोई भी पीछे प्लेट्यू नहीं है ऑफ कोर्स नाउ इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज प्लेट्यू जो है उसका दुनिया के तमाम एलिमेंट से प्रतिबंध लग जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्लेट्यू जो इन्वॉल्व है वाइंडाग्राम में वो वनली के वजह से इन्वॉल्व है तो थर्ड यहां पे एक्सेप्ट करेंगे नाउ आंसर विल बी वनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो दट मीस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप नाउ यू पीपल आर वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वली इन दिस आफ्टर दिस क्वेश्चन एज वेल तो इतने सारे सवाल डिस्कस करने के बाद आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों को लेकर कंफर्म हो चुके होंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर सिक्स और मुझे लगता है कि आज मैं आपको बहुत सारा होमवर्क भी देने वाला हूँ बिकॉज मैं सवाल तो बहुत सारे लेके आया था लेकिन शुरुआत के दस पंद्रह मिनट हमारे बर्बाद होगा जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू सो मैं उतने सवाल साथ ना पाऊँ लेकिन मैं सवाल जितने ही बचेंगे वो आपके लिए सवाल रखूंगा आपको होमवर्क के तौर पर दे दूंगा फिलहाल इस सवाल को डिस्कस करते हैं सवाल नंबर सिक्स जल्दी से देखिए यहाँ पे रिपीट करने मत बोला कीजिए आप वीडियो को वापस जाके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का रिवीजन चाहिए ऑफ कोर्स इसका मतलब यह है कि आप जाके एक बार देख सकते हैं वहाँ जाके ओके चलिए सो क्वेश्चन नंबर सिक्स सही नो डॉक्टर इंजीनियर दैट मीनस कोई डॉक्टर जो है वो इंजीनियर नहीं है इंजीनियर नहीं है एंड वनली फ्यू इंजीनियर इज ट्रेनिंग वनली फ्यू इंजीनियर इज ट्रेनी दैट मीसको इंजीनियर एंड ट्रेनी विल भी हैविंग कॉमन पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ इंजीनियर एंड ट्रेनी विल भी रेस्ट्रिक्टेडेड एज वेल सो दिस इज अचुएशन नाउ सम ट्रेनी एन साइंटिस्ट कुछ ट्रेनी एस एन साइंटिस्ट है नो साइंटिस्ट इज एक्टर दैट मीनस कोई साइंटिस्ट एक्टर नहीं है तो यहां पे एक्टर और साइंटिस्ट में प्रतिबंध है ये वेंडाना बन चुका है आपके सामने लिटरली भारतीय राजपूत सवाल मैं दो बायलिंग्वन ही क्लास है यार बिल्कुल सवाल को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल रहा हूँ लिखा हुआ सवाल इंग्लिश में ही है लेकिन समझा रहा हूँ तो मैं दोनों ही शब्दों का दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ तो टेंशन मत लीजिए सवाल को पढ़िए आराम से ध्यान से देखिए पहले कंक्लूजन में कह रहा है कि सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर बोल रहा कुछ ट्रेनी ऐसे जो डॉक्टर नहीं है ऑफकोर्स कौन से ट्रेनी ऐसे जो डॉक्टर नहीं है तो ये वाला जो ट्रेनी है ना वो डॉक्टर नहीं है जो इंजीनियर है मतलब जो ट्रेनी इंजीनियर के पार्ट में आ रहा है वो क्या है भाई डॉक्टर नहीं है ऑफकोर्स हमारा पहला बिल्कुल सही है पहला कोई पहले में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ वनली का कॉन्सेप्ट नहीं है वनली अ फ्यू है ठीक है ना एक्टर इज नॉट ट्रेनी बोला कुछ एक्टर ऐसे जो ट्रेनी नहीं है ये बात नहीं कर सकते नॉट ट्रेनिंग एक्सेप्टेबल नहीं है so, ये बहुत इंपॉर्टें सेकेंड वाला है जिसको हमने गलत काटा है, so, ही गलती है Third, no no तो ऑलवेज रिम्बर है आपसे एग्जामेशन में थर्ड नो इंजीनियर बिंग ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी नो इंजीनियर बिंग ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी कदापि नहीं हो सकता कदापि संभव नहीं है बस ये वाली बात जस्ट बिकॉज इंजीनियर का कुछ पार्ट ट्रेनिंग में मौजूद है तो संभावनाओं का भी ये बूता नहीं है कि उसको वहां जाके नो करा दे तो यहां भाई प्रतिबंध लगा दे तो ऐसा तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि सम पार्ट ऑफ इंजीनियर आर इन ट्रेनिंग सो वी के नॉट एक्सेप्ट नो वाला रिलेशन बिटवीन इंजीनियर एंड ट्रेनिंग सो ओनली फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट आंसर दैट मीनस वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर सी सो आई होप गेटिंग द आइडिया ठीक है ना सो वनली फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिनका सिर्फ वनली फर्स्ट आया है ठीक <coughs> है ना जी हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा मेरा बेसिक uh, बैच जो है वो चैंपियन थ्री के नाम से चैपियन थ्री पॉइंट ओ यू विल गेट देयर चैपियन थ्री पॉइंट ओ ऑन द स्टोर अड्डा स्टोर ओके चलिए ट्वेंटी फिफ्थ से क्लास शुरू हो जाएगी उसमें आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन सो दिस क्वेश्चन आई आई टेल यू दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवन जो है आपका ये होमवर्क है सेवन्थ क्वेश्चन मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर सेवेंवन है ये आपका क्या है होमवर्क है ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे अभी मैं चार सवाल होमवर्क के तौर तो पे दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा डिले हुआ क्लास शुरू करने में और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक वाइ कर दो यार वही क्लास की फीस होती है थोड़ी सी डिले हुई क्लास में लेकिन हाँ जितने जो मैं क्लास से आउटपुट निकालना चाहिए था हमने निकाल लिया है कमी नहीं रखा हमने क्लास में वनली एन वन लियर फ्यू पढ़ ही लिया ठीक है ना और हमने उससे पहले रिविजन भी कर लिया पिछले क्लास का ठीक है ना और आपको वनलीअ वन इर फ्यू का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया और इसमें कोई शक नहीं है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर एट आपके पास ये रहा और क्वेश्चन नंबर एट जो है वो भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और मैं आपके आपके कमेंट्स का जरूर वेट करता हूँ और आपके इस वीडियो के जरूर आपके अभी नहीं लाइव में मत कीजिएगा मैं बाद में जरूर कमेंट कर इसका जो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका जरूर आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन आपके पास है और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है एंड देन आफ्टर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टेन एंड दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन सो मैं चार क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया हूँ इन चारों सवालों को प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि भाई इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कीजिएगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद और जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि कमेंट करके जरूर बताएं करेक्ट आंसर क्या है इन सवालों के ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आगे शुरू करूं यहां से काम तो इसी रिवीजन के तौर पे हम यहां पे वन ईयर वन ईर फी को रिवाइज करें और साथ में इन चार सवाल को रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ें ठीक है ना चलिए सो जिन बच्चों ने ऑफकोर्स so, आई बी पी एस पी ओ प्री क्वालिफाई किया है उन सभी बच्चों को फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत बधाई अच्छा है बहुत अच्छा किया है आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक मुकाम एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया आपने आपको है ना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट किया आपने आपको अब अब इस कॉन्फिडेंस को सक्सेस में बदलने की बारी है लिटरली ठीक है ना तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो मेंस की ड्यूरेशन है जो गैप है इस गैप में खूब पढ़ें आवर्स को मत देखा कीजिएगा कितने आवर्स पढ़ रहे हैं आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बस पढ़ लेना है मतलब जो टारगेट है उसको अचीव करना है कुछ भी हो जाए ठीक है ना और अभी एट थर्टी पर वैसे मिलेंगे हम लोग द स्ट्रैटेजी एंड प्लान को लेके एट थर्टी पर पूरी टीम मिलेंगे हम लोग uh, मैं शांतनु सर uh, uh, आशीष सर सब लोग मिलेंगे अभी आपसे uh, संतोष सर चारों मिलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे 8:30 थर्टी पी पे अभी जस्ट आधे घंटे बाद मिलेंगे आपके हम और आपसे जुड़ के डिस्कस करेंगे व्हाट मस्ट बी द स्ट्रेटजी फॉर आई पी मींस एग्जामिनेशन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फ्रॉम द स्क्रैच क्या होना चाहिए डिस्कस करेंगे वो चीज़ ठीक है ना बाकी आ, बाकी कुछ नहीं बाकी आपके पास बैच, बैच अगर चाहिए तो ऑफकोर्स आई पी एस पी ओ मेन्स की बैच भी आपके पास आ चुकी है ये वाली और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं आई पी एस पी ओ मेन्स की बैच आप जाइए स्टोर पर नजर आएगी आपको आई पी एस पी ओ मेन्स की बैच इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है अड्डा के स्टोर पर जाना है वहाँ पे जाकर स्कोर्ड इस का, इस का इस्तेमाल कर लेना यू वन डल एट यू कैन अवेल मैक्सम डिस्काउंट एज वेल वाइ यूजिंग दिस पार्ट वाइल ज्वाइनिंग दिस बैच यूजिंग दिस पार्ट लकोट अगर आप स्कोर्ड का इस्तेमाल करते हैं यू वन डबल एट तो आपको मैक्समम डिस्काउंट मिल जाता है ऑफकोर्स और आज लोहरी का पर्व है तो ऑफकोर्स अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफकोर्स आप उसको ग्रैप कर सकते हैं सो ट्राई आउट टू ग्रैप दिस डिस्काउंट सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट एंड यू कैन यूज दिस कोड यू वॉन्ट डबल इट टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट सो आई पी एस यू मीनस बैच डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इफ यू हैव क्वालिफाइड द मीस प्री एग्जामिनेशन बिकॉज अब ये लास्ट में ना कुछ छोड़ना नहीं होता है कि कोई भी ऑप्शन ऐसी चीजें जो आपको ट्रिगर कर जाएं जो आपको हिट कर जाएं उसको छोड़ना नहीं है ठीक है ना चलिए बाय बाय टेक केयर स्टडी वेल ब्लेसिंग्स एवरीवन एंड आर न्यू टू द चैनल आप सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे पुराने हैं बिल्कुल बने रहें और मिलते हैं साढ़े आठ बजे और डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज के बारे में थैंक यू सो मच बाय